सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बेस्ट टूल देने वाला हूँ एमटी के। बहुत सारे इसमें मॉडल सपोर्टेड हैं 2020 से मतलब लेके और 2022 तक इसमें मॉडल सपोर्टेड हैं। इसमें रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, वन प्लस, मतलब बहुत सारे इसमें कम से कम 20-25 मॉडल सेलेक्ट हैं जो एमटी के सीपीयू सपोर्ट करते हैं। इसमें आप एफआरपी डायरेक्ट रीसेट कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। आपको अनलॉक करना है, कुछ भी अनलॉक करना है, पैटर्न, पिन, पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो। मतलब जितने भी एमटीके के सपोर्टेड हैं सीपीयू, रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, जितने भी आपको लेटेस्ट मॉडल मिलेंगे वो आपको इस टूल में देखने को मिलेगा। तो चलो आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है इस टूल के अंदर आप इसको इंस्टॉल करोगे अपने पीसी के अंदर। और इसको डाउनलोड करना भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वॉच कर लेना। जीपी लिंक का टूल देने वाला हूँ, ठीक है? जीपी लिंक के अंदर आपको ये टूल मिलेगा, ठीक है? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी आसान होता है जीपी लिंक से डाउनलोड करना। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा वीडियो वॉच करते हो मगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप 1% ही मतलब ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छा अच्छा टूल मैं लेकर आता रहूँगा। काफ़ी अच्छे अच्छे टूल लाने वाला हूँ मैं अब भी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है आपको इसको इंस्टॉल करना है और इसमें कितने सारे मॉडल दिए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो वीडियो पे बने रहना और चैनल को प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलो आपको दिखाते हैं। सो फाइनली आ गए अपने पीसी के स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो आप इसको डाउनलोड करना है। मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जीपी लिंक का, ठीक है? आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया टूल है। तो यहाँ पे देख सकते हो TFT MTK मॉड्यूल वर्जन 3.5, ठीक है? MTK फ्री टूल है, ठीक है? तो इसके अंदर काफ़ी बढ़िया टूल है और काफ़ी ज़बरदस्त टूल है। इसके अंदर आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद से मैं आपको इसको फंक्शन कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो TFT MTK मॉड्यूल वर्जन 3.5 सपोर्ट मॉडल, ठीक है? तो इसको कट करते हैं, आपको और थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब डायरेक्ट FRP कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट FRP बूट मोड में, और डायरेक्ट अनलॉक बूट लोडर कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, बाईपास ऑथ कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक ऑपरेशन के अंदर रियलमी के अंदर काफ़ी सारे मॉडल दिए हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मॉडल नंबर, रियलमी 1, रियलमी 3, रियलमी i6 7, मतलब बहुत सारे नए नए मॉडल इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो नार्जो को काफ़ी फ़ोन है, रियलमी 3 के यहाँ पे फ़ोन दिए हुए हैं। RMX 2150 इसमें अंदर मॉडल दिया हुआ है, C3 दिया हुआ है, C25 दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटो में भी ऑप्शन दिया है। और इसके अंदर रीसेट FRP कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट पिन, पासवर्ड, मतलब फैक्ट्री रीसेट से ऐप मोड, ठीक है? अब यहाँ पे और भी मॉडल हैं ओप्पो के, जितने MTK के CPU हैं इसमें, A12, A31, A31, A3, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो अभी बहुत सारे टूल के अंदर नहीं दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो Reno6 6Z 5G, Reno6 5G, Reno6 Pro, तो इसमें भी ओप्पो के अंदर भी काफ़ी अच्छा टूल है। और यहाँ पे वीवो के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे वीवो में भी काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हो मॉडल दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो आप वन क्लिक में यहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं MTK का। और यहाँ पे सैमसंग के अंदर चलते हैं तो सैमसंग के अंदर भी देख सकते हो रीसेट FRP कर सकते हो, MDM अनलॉक कर सकते हो, रीसेट ऑथ किसका डंप फाइल प्रीलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया टूल है और काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है? इसके अंदर A21 दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है, A31 दिया हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बहुत सारे इसके अंदर मॉडल यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कूलपैड, वीको, ओटवा, ये सब वन प्लस के अंदर भी देखते हैं। वन प्लस के भी अंदर इसमें काफ़ी MTK के जो CPU हैं, 9B 9 Pro 9R भी दिए हुए इसके अंदर। तो ये बहुत ही बेस्ट टूल है, इसके अंदर फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी बेस्ट टूल लगा और काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है? यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। सिंपल आपको यूज़ करना है Realme 3 जाना है, अपना जो भी मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर FRP रीसेट करना चाहते हो या इसका फैक्ट्री रीसेट एंड FRP करना चाहते हो, इस पर क्लिक करके और स्टार्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो FRP इस तरीके से वेटिंग फॉर डिवाइस कनेक्ट, तो आपका जो फ़ोन है आप वॉल्यूम प्लस एंड माइनस की यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, और वॉल्यूम माइनस प्लस की दबा के और अपना जो है USB डाटा केबल लगा के, तो आपका ये बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसका एक्टिवेटेड है, ठीक है? तो
इसमें काफ़ी सारे मॉडल हैं, इसके अंदर जाते हैं एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा के ऑप्शन के अंदर, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। फंक्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, बैकअप NVRM, राइट NVRM, यहाँ पे बी मोड के अंदर यहाँ पे देख सकते हो शाओमी के रीलॉक एनलॉक, यहाँ पे बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट में, तो यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारे मॉडल इसमें आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया टूल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और प्लीज़ यार चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।